जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और इसलिए आपराधिक घटना की गिनती कर रहे हैं। खालिद अनवर ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता नहीं करनी चाहिए। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने क्या कुछ काम किया उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव जी 17 महीने थे, क्या कभी उन्होंने कभी बयान दिया इसके ऊपर, क्या बात की उन्होंने? वो तो लगे थे कट लेने के चक्कर में कि एडवांस 2-3 साल का कट ले लिया जाए, और ऐसे ऐसे लोगों को संवेदक उन्होंने बनाया, ऐसे ऐसे व्यापारियों को जिन्होंने बिहार की पूरी पूंजी लूट ली। यही तो मसला है कि 17 महीने में जो 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए वो कैसे कमाए, और इसकी इंक्वायरी होगी। जहां तक पुल गिरने की बात है, हमारी सरकार बिल्कुल सीरियस है, इंक्वायरी हो रही है, कई संवेदक को ब्लैकलिस्ट किया गया है, कई संवेदक से रिकवरी के लेटर जारी किए जा रहे हैं, और कई संवेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। हम लोग बिल्कुल समझौता नहीं करने वाले हैं, जिसके अभी निगलिजेंस होगा उसमें सख्त कार्रवाई होगी, कई ऑफिसर भी सस्पेंड किए गए हैं।